अथ श्री देव्यथर्वशीर्षम् श्री गणेशाय नमः। ओम सर्वे वै देवा देवीम् उपतस्थुः कासि त्वं महादेवीति सा ब्रवीत् अहम् ब्रह्मस्वरूपिणी मत्त प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च अहम् आनंद अनानंदौ अहम् विज्ञाना विज्ञाने अहम् ब्रह्मा ब्रह्मणी द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये इति चाथर्वणी श्रुतिः। अहम् पंचभूतानि अहम् पंचतन्मात्राणि अहम् अखिलं जगत् वेदोऽहम् वेदोऽहम् विद्याहम विद्याहम अजाहम नजाहम अधश्चोर्ध्वंच तिर्यक्चाहम अहम् रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहम् आदित्यैर्त विश्वदेवैः अहम् मित्रावरुणो उभौ बिभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहमश्विनावुभौ अहम् सोमम् त्वष्टारम् पूषणम् भगम् दधामि अहम् विष्णुमुरुक्रमम् ब्रह्माणमुत प्रजापतिम् दधामि अहम् दधामि द्रविणम् हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुव्रते अहम् राष्ट्री संगमनी वसूनाम् चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् अहम् सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवम् वेद स देवीम् सम्पदमाप्नोति ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम् नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम् तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीम् वैरोचनीम् कर्मफलेषु दुष्टाम् दुर्गान् देवीम् शरणम् प्रपद्यामहे असुरान्नाशयित्र्यै ते नमः। देवीम् वाचमजनयन्त देवास्ताम् विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मन्द्रेषु मूर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु कालरात्रीम् ब्रह्मस्तुताम् वैष्णवीम् स्कन्दमातरम् सरस्वतीमदितिम् दक्षदुहितरम् नमामः पावनाम् शिवाम् महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। आदितिर्ह्यजनिष्टदक्षया दुहिता तव तान् देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः कामो योनिकमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिष्वाभ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया चापृथक् क्लेशा विश्वमातादिविद्याः एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवम् वेद स शोकम् तरति। नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान् पाहि सर्वतः सैषा वैष्णवी अष्टौ वसवः
सैवैकादश रुद्राः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाच यक्षसिद्धाः सैषा सत्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी सैषा प्रजापति इन्द्रमनवः सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतिकलाकाष्ठादिविश्वरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां सर्वदां शिवां वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितं अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति ब्रह्मानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः वाङ्मया ब्रह्मभुस्तस्मात् षष्ठवक्त्रसमन्वितम् सूर्यः अवामश्रोत्रबिन्दुसंयुक्तष्टात्तृतीयकम् नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्चे नवार्णकोऽर्णस्यात् महदानन्ददायकः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थाम् प्रातः सूर्यः समप्रभाम् पाशाङ्कुशधराम् सौम्याम् वरद अभयहस्तकाम् त्रिनेत्राम् रक्तवसनाम् भक्तकामदुघाम् भजे नमामि त्वाम् महादेवि महाभयविनाशिनि महादारिद्र्यशमनि महाकारुण्यरूपिणि यस्याः स्वरूपम् ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यम् नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननम् नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नेका अत एव उच्यते अज्ञेया अनन्ता अलक्षा अजा एका अनेका मन्त्राणाम् मातृका देवी शब्दानाम् ज्ञानरूपिणी ज्ञानानाम् चिन्मयातीता शून्यानाम् शून्यसाक्षिणी यस्यापरतरम् नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीन् दुराचार विघातिनीम् नमामि भवभीतोऽहम् संसारार्णवतारिणीम् इदमथर्वशीर्षम् योऽधीते स पञ्च अथर्वशीर्ष जपफलम् आप्नोति इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योर्चाम् स्थापयति शतलक्षम् प्रजप्त्वापि नार्चाशुद्धिम् च विन्दति शतमष्टोत्तरम् चास्य पुरश्चर्या विधिस्मृतः दशवारम् पठेद्यस्तु सद्य पापै प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः सायमधियानो दिवसकृतम् पापम् नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतम् पापम् नाशयति सायम् प्रातः प्रायुञ्जानो पापो भवति निशीथे तुरीयसन्ध्यायाम् जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायाम् प्रतिमायाम् जप्त्वा देवतासान्निध्यम् भवति प्राणप्रतिष्ठायाम् जप्त्वा प्राणानाम् प्रतिष्ठा भवति
भौमाश्विन्याम् महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युन्तरति स महामृत्युन्तरति य एवं वेद इत्युपनिषत् इति श्री देव्यथर्वशीर्षम् सम्पूर्णम्। जो उसकी कुंजी जो है मुझे आपके सुपुर्द करनी है। अब सबसे आखिर सहस्त्रार आया। सहस्त्रार माने ये कि हजार पंखुड़ियां से बना हुआ ये सहस्त्रार है, जिसे कि हम ब्रेन को अगर ट्रांसफर सेक्शन में काटें तो आप देख सकते हैं कि जैसे पंखुड़ियां जैसे उसके हजार इस तरह से अलग अलग खंड दिखाई देते हैं साफ तौर पर। अब डॉक्टरों का झगड़ा है कि 9098 ही उसमें यह है नाड़ियां और दो कम है तो उसे झगड़ा करेंगे 998। उनसे झगड़ा करने से पहले कहिए कि आपको पहले तो 600 ही मिली हुई थी, उसमें क्या रखा हुआ है। जिस वक्त में सहस्त्रार खुलता है तो जैसे कोई बड़ी सुंदर दीप शिखाएं जो कि शांत तापहीन है और जो कि अनेक रंगों से प्लावित है, साथ ही रंग जिसमें चमक रहे हैं इस तरह से दिखाई देता है। कमल सहस्त्रार का कमल इस तरह से खिलता है और उसके अंदर कुंडलिनी जैसे कोई टेलीस्कोप खुलता है इस तरह से खट 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 ऊपर आकर के, और सोने के ढक्कन जैसा जो ये आज्ञा चक्र है जो कि सूर्य का बिंब उसमें है उसको छेद करके यहाँ पर लिम्बिक एरिया जो कि बीच में एक लिम्बिक एरिया जो खोखली जगह है जिसे लिम्बिक एरिया कहते हैं उसमें से निकल करके और सहस्त्रार यूं खुल जाता है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आज्ञा चक्र को भेजती है कुंडलिनी वैसे ही हमारा अंदर जो ईगो और सुपर ईगो इस तरह की जो संस्थाएं बनी हुई है वो खींच जाती है। इसीलिए कर्म आपके सब खा लिए कुंडलिनी ने और आपके अंदर की जितने भी कुसंस्कार थे सब खा लिए और दोनों की दोनों इस तरह से पीछे हट जाते हैं और इस तरह से सहस्त्रार खुल के आपके ब्रह्मरंध्र से आपको कुंडलिनी की ठंडी ठंडी हवा मिलने लग जाती। उसे समझ लेना चाहिए सहस्त्रार क्या चीज है। किसी भी अभी तक किसी भी शास्त्रों में सहस्त्रार के बारे में विशेष रूप से कुछ भी वर्णित नहीं। इसकी यह वजह नहीं है कि लोग बात जानते नहीं होंगे, लेकिन पूरी तरह से सहस्त्रार खुला नहीं था तब तक, इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ किसी ने लिखा नहीं। सहस्त्रार माने जैसे यह कली है इसी प्रकार हमारे ब्रेन को अगर एक कमल का फूल समझे तो उसके अंदर पर्सन पर्त जैसे ये पंखुड़ियां हैं उसी प्रकार एक एक अलग अलग स्तर बना हुआ है और ये स्तर एक ही उससे बना नहीं। आप जानते हैं कि दो मैटर अपने व्हाइट मैटर ग्रे मैटर दो चीज होती है, जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं कि दो है। इसके अलावा अगर इसके बीचों बीच आप देखें खुलने पर तो आपको दिखाई देगा कि बीच में गाभा है और उसके अंदर हजारों छोटे छोटे पराग हैं। इसी प्रकार हमारा जो ब्रेन है ये भी मेद से बना है, फैट से बना है, लेकिन उसकी पत्ते हैं। अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन करें, क्रॉस सेक्शन यानी यहां से ऐसे क्रॉस सेक्शन करें तो
और उसको अगर आप स्टडी करें तो आपको आश्चर्य होगा कि उसके अंदर ये एक एक परत आपको दिखाई देती, जैसे कि कमल के पुष्प, कमल के पंखुड़ियां जैसे, वैसे दिखाई देता है एकदम। लेकिन डॉक्टरों का कभी कविता से संबंध नहीं रहा तो वो इस तरह का कंपैरिजन नहीं सोचते। डॉक्टर लोग कविता के दुश्मनी होते हैं अधिक, इसलिए ये चीज उनकी दिखाई नहीं देती। पर परमात्मा तो सम्यक है, इंटीग्रेटेड है, वो काव्यमय भी है और क्रिएटिव भी है। तो उन्होंने ब्रेन भी बड़ा सुंदर कमल के जैसा बना, और उसके जो दल है जिसे मैंने इस तरह कहे, ये दल है जिसे पंखुड़ियों को दल कहते हैं, वो 1000 दल है सहस्त्रार, और उन हरेक दल के अंदर मध्य में शक्ति का सूत्र है। बीचों बीच नीचे उसके गाभा और गाभा में पराग है, सहस्त्र दल जब बंद हो जाते हैं तो जो बीच में जगह आ जाती है वो खाली जगह है, वो जगह खाली है, लेकिन चित्त इतना नहीं हिला, जरा शांति से बैठो। और रुमाल गिर गया तो उसे क्या बात करते हो, उसमें आपके सब खोल रही हूँ ना, अब सहस्त्र दल खोल रही हूँ आपके, मैं उस वक्त बोल भी रही हूँ, ये मेरी संकल्प शक्ति से मैं कर रही हूँ ना, अभी मैंने जरा तो आप इस वक्त में इधर उधर की चीजें करना चाहिए, फट से उसके इधर आते ही आंख चली रखो, बस इतना जरूर सहयोग में करना पड़ता है। अभी तो आंख बंद कर दीजिए, अगर आपका चित्त जाता हो आंख बंद कर दीजिए। अच्छा, अब इसके बीचों भी जो गाभा है उस गाभा के अंदर, मैंने समझ लीजिए कि नीचे में तो एक जैसे कोई पलंग बिछा हो गोल सा, और उसके ऊपर जो जगह है वो खाली जगह है, इस जगह को डॉक्टर लोग लिम्बिक एरिया कहते हैं, लिम्बिक एरिया। इस जगह जो पराग है वो हमारे शरीर में जो 1000 चक्र हैं, मैंने तो आपको 7 चक्र बताया, 7 चक्र जागने से ही पार आदमी हो जाता है, उसमें से भी 9 चक्र तो वैसे भी चंद्र सूर्य दो और मिला लीजिए तो वैसे भी 9 चक्र है, लेकिन 1000 चक्र आपके शरीर में है, वो भी जागरूक नहीं हुए, हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। तो ये सारे 1000 जो चक्र हैं वो इस गाभा में जो कि बेड है उस पर रखे हुए हैं, और उसके ऊपर ही लिम्बिक एरिया, उसमें से जो मेन 7 चक्र हैं, उसको क्या आप जानते हैं, मेन 7 चक्र आपके अंदर में है, उनकी सीट वहां पर है, वैसे ही जितने भी 1000 चक्र हैं उनकी भी सीट वहां पर, कुल मिला के 1000 चक्र हैं, उसमें से जो 7 चक्र हैं वो मुख्य मानते हैं, उसके फिर सब प्लेक्सेस हैं, पर काफी वो लंबी चौड़ी बात होगी। अब देखिए कि कैसे चक्र बने हैं 7 हमारे अंदर, यहां से दिखाया जाए बाहर उसका कहां ये आता है वो देखना चाहिए। ये तो आप जानते हैं पीछे से ले तो पहले ये जो है एक ये आज्ञा चक्र है, ये तो आप जानते हैं। अच्छा, इसके पीछे में यहां पर मूलाधार दो हो गए, तीसरे पीछे में यहां पर स्वाधिष्ठान चक्र, उसके ऊपर में नाभि चक्र है, उसके ऊपर में हृदय चक्र है, यहां पर कृष्ण का चक्र है, यहां उंगली रखने से भी आप उस चक्र को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप पारस्थित हो गए तो ये सीख है, ये कृष्ण का चक्र है। इसीलिए मैं जब आपसे कहती हूं बाल ऊपर करिए, क्योंकि तो कभी कभी साइड के जो दो चक्र हैं यहां पर मैंने बताए थे जो कि अहंकार और प्रतिअहंकार को संभाले हुए हैं, जहां पर बुद्ध और महावीर का स्थान है, ये भी और दो चक्र हैं, तो 7 और 2 9 हो गए। ये हृदय चक्र है, ये हृदय का स्थान है, यहां जिस आदमी का हृदय कमजोर हो जाता है
उसका रियलाइजेशन भी जरा सा कमजोर रहता है और उसको प्लावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार सहस्त्रार का जो गाभा माने जो बेड है, तो उस बेड के अंदर ये 1000 चक्रों की चीज है और वो 1000 चक्र जो है वो हमारे इन 1000 परतों को भी गाइड करते हैं और जो बाह्य में जो बड़े बड़े चक्र हैं वो रियलाइजेशन के बाद जागरूक हो जाते हैं कम से कम। अब संस्कार रियलाइजेशन से पहले कैसा दिखता है, जैसे कि एक कली दिखाई देती है, सारी परतें ढकी रहती हैं और उसके अंदर कोई प्रकाश नहीं, नजर नहीं आता, प्रकाशित नहीं। लेकिन जब कुंडलिनी नीचे से ऊपर चलती है आप लोगों की, तो ये जो सीख है ये जागरूक हो जाते हैं, ये 7 सीख कम से कम, क्योंकि कुंडलिनी 7 में से तो गुजरती है। तो ये जो 7 सीख जब जागरूक हो जाते हैं और उसके कारण जो पराग है ये भी थोड़ी से लाइट पाते हैं, तो संस्कार ऐसा दिखता है जैसे कि 1000, जैसे कि मोमबत्तियां हो और उसके अंदर में उसका सूत्र हो मोमबत्ती का, लेकिन मोमबत्ती जली हुई ना हो, समझ लीजिए इसी तरह से परतों में से एक मोमबत्ती की निकली हुई है और वो जली हुई नहीं है तो कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देता है मानो जैसे कि यहां से एक लपट यहां जली हुई है और सिर्फ लपटे ही दिखाई देते, पर बड़ी शांत लपटे। बाइबल में कहा है आई विल अपियर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम, तो उस तरह से लपकती हुई जीवन ऐसी 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 लपकती, बड़ी सुंदर और अनेक रंगों की होती है, विशेषकर 7 मेन रंगों की होती है। और संस्कार इस तरह से खुलता है और इस तरह से खुल जाता है और कुंडलिनी उनके बीच में से निकल करके और ऊपर जाके इसे यहाँ पर आपके अगर जब कभी कोई लोग आते हैं जिनके बाल कम होते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले नाभि में यहाँ छेद होता है, क्योंकि नाभि से उठती है ना कुंडलिनी, उसके आगे इधर छेद होता है, लीजर होता है, फिर तालु में आता है और तालु में एकदम से ऐसा डिप्रेशन हो जाता है और जो रियलाइज सोल होते हैं उनके यहाँ डिप्रेशन रहता है, जैसे बच्चों की तालु होती है उसको बनाए रखना चाहिए, वो मैं बताऊंगी बाद में कि कैसे बनाना है।